ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे टेक्नो के, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडबॉट पूल के बारे में कि वो हैक होती है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक दो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, जिसके साथ पता लग जाए लोगों को कि एडबॉट पूल जो हैक होती है या नहीं। तो ये देखिए वीडियो। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिसके साथ हम एडवर्ड पूल के कॉइन्स और कैश जो हैक कर लेते हैं। तो मैं भी बताता हूँ, मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं, तो अगर आप वो भी सोच रहे हैं ट्राई करने की तो प्लीज़ मत कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन कौन से जो ट्रिक्स हैं वो ट्राई कर ली हैं। तो लकी पैचर के साथ मैंने सबसे पहले की थी, लकी पैचर ने भी कुछ नहीं किया, वो एरर ज़ीरो दिखा देता है। और एक फ्रीडम ऐप है, वो सिर्फ रूटेड मोबाइल में चलती है, उसके लिए मैंने अपना रूट भी किया था मोबाइल, बट मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था रूट होने के बाद, सिर्फ वो एक महीने ही चला, उसके बाद वो ख़राब हो गया और मुझे नवा बाय करना पड़ा। तो मैं बता देता हूँ, फ्रीडम के साथ भी वही सेम हुआ, एरर ज़ीरो दिखाने लग गया और वो जो है हैक नहीं हो पाई। तो एक और है गेम गार्डनर, मैंने वो भी रूटेड मोबाइल में चलता है, उसके साथ आप स्पीड हैक कर 30-30 कॉइन्स ले सकते हो एक बार में। तो जितनी मर्जी बार ले लो, एक बार नहीं जितनी मर्जी बार ले लो, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो उसके साथ होता क्या है कि आप जब अपनी गेम में से एग्जिट कर लेते हो, तो उसके बाद आप दोबारा गेम में आते हो और रीलोड करते हो, तो वो जो आपकी गेम है वो बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाती है, और आपके जो कॉइन्स हैं वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो एक और मेथड है जिसके साथ आपने कई बार कोशिश की होगी, बहुत सारे सर्वेज हो गए साइट्स पे जाकर, बहुत सारे सर्वेज कंप्लीट करने के लिए कहते हैं। तो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं कि सर्वेज पे मत जाइए, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, बट मैंने वो पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ मत जाइए सर्वेज में, सर्वे में कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है सर्वे में, ये आपसे करवाते क्या हैं, ये आपको साइट पर ले जाते हैं और ये आपको सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए, आप जिन एड्स पे क्लिक करते हो उनके से पैसे मिलते हैं और उनसे ये आपको ना ही कुछ देते हैं। अगर आपने सर्वे कंप्लीट कर भी लिया, आपके पास कॉइन्स आ भी गए, तो वो गेम गार्डनर की तरह ही थोड़ी देर बाद उड़ जाएंगे, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको यही वीडियो में यही दिखाने वाला था कि हैक होते हैं या नहीं, तो मैं ये भी बताऊँगा कि क्या हैक हो सकता है एडबॉट पूल में। तो एडबॉट पूल में आप अपनी गाइडलाइंस जो है हैक कर सकते हो, अगर आप गाइडलाइंस हैक हो गई तो मैच 100 में से कम 70% ईजी हो जाता है मैच, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और दोस्तों, मैं इसकी एक और बात बता दूँ आपको कि ये रही मेरी एडवर्ड पूल हैक वाली, तो इसकी मैं एक और बात बता दूँ कि अगर आपने अपना अकाउंट कम से कम एक बार लॉगिन कर लिया, फिर लॉग आउट करके फिर लॉगिन कर लिया, अगर आपने ऐसे ही अपना अकाउंट कम से कम 10 या 20 में से इतने में से अगर किया है, तो प्लीज़ दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो है बैन हो जाएगा, नहीं तो आपको एक फाइनल वार्निंग दिखाने लग जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने एडवर्ड पूल में। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये कैसे डाउनलोड करनी है, पहले ये देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक हैक मोड यूज़र हैं, और अगर आप एक हैक मोड यूज़ करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेरी एक आईडी है वो बैन हो चुकी है इसी के कारण। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लॉग आउट एंड मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी आईडी बैन हुई है, ये जो मेरी आईडी है वो बैन हो चुकी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे ओपन करके, ये ओपन नहीं होगी, ये यहाँ पर बैन दिखाएगा, देखिए योर अकाउंट हैज बीन परमानेंटली बैन फॉर एक्सप्लोइटिंग द गेम। कि मैं कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं ट्राई तो प्लीज़ दोबारा मत कीजिएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, अगर आपको ये बार बार बैन दिखा रहा है तो या तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है तो प्लेयर्स गेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर आके अपनी दूसरी आईडी कनेक्ट कर लीजिए। तो गैस, मुझे लगता है अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि जो एडबॉट पूल के कॉइन्स हैं और कैश है वो हैक करना इतना आसान नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को छोड़ दीजिए, ये हैक नहीं हो पाएगा।
देखिए गाइडलाइन से मेरा मतलब था, ये जो लाइंस आने लग जाती हैं ये, तो अगर आप जानना चाहते हो कि उस आदमी के पास हैक है या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको दिखा रहा होगा कि ये जो सब है, फोर्स, एम, स्पिन टाइम, ये सब जो है खाली है। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो है हैक मोड है, वो हैक मोड यूज कर रहा है। तो आप समझ ही होंगे कि कैसे देखना है, कैसे हैक होता है, नहीं होता है, क्या हैक हो पाता है इसमें, आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अभी ये डाउनलोड कैसे करनी है। तो इसके साथ आप मैच बड़े आसानी से जीत सकते हो। तो मैं आपको अब ये बताऊंगा तो कैसे डाउनलोड करनी है। तो आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर अपना गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप कीजिए एट बॉल पूल न्यू मोड डाउनलोड। तो ये आपको सबसे पहला ही दिख रहा होगा कि जो ये सेकंड वाला है डाउनलोड एट बॉल पूल मोड एक्सटेंडेड 6 गाइडलाइन, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि जो एट बॉल पूल है ये पिछले ही हफ्ते होके हटी अपडेट। तो इसमें अभी आप अगर कोई पुराना वर्जन कर लेंगे तो ये आपको जो है हैक नहीं हो पाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा एट बॉल पूल मोड एक्सटेंड, आपको इस पर क्लिक करना होगा, और आपकी जो ये डाउनलोडिंग है ये 7 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ। तो बस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको समझ भी आ गया होगा कि एट बॉल पूल जो कॉइन्स और कैश है वो हैक करना नामुमकिन है। तो प्लीज़ मत ढूंढिए। तो बस मैं ये कहना चाहता था, तो लाइक दो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। तो बस हंसते रहिए, खेलते रहिए, और एट बॉल पूल हैक करने की कोशिश मत कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे एक अगली और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए।